मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शिव पुराण कथा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा 5 सितंबर को छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। वे यहां 9 सितंबर तक भगवान शिव की शिव पुराण कथा का पाठ करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ ने इस कथा का आयोजन किया है और इसके लिए व्यापक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा दोपहर 2 बजे विशेष हेलीकॉप्टर से छिंदवाड़ा के नरसिंहपुर नाका पहुंचेंगे। यहां कमलनाथ और नकुलनाथ उनकी अगवानी करेंगे। यहां से शोभा यात्रा शुरू होगी जो नगर का भ्रमण करते हुए इमलीखेड़ा पहुंचेंगे। इस शोभा यात्रा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा की शोभा यात्रा नरसिंहपुर नाके से प्रारंभ होकर श्याम टॉकीज, संतोषी माता मंदिर, चार फाटक होते हुए इंदिरा तिराहा और मोती रॉयल पैलेस होते हुए इमलीखेड़ा चौक पर समाप्त होगी। इस दौरान शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पार्किंग के लिए जगन्नाथ स्कूल और छोटी MLB में व्यवस्था की गई है। शोभा यात्रा मार्ग पर भीड़ के मद्देनजर डायवर्जन भी तय किए गए हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ ने पिछले दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराई थी। इस दौरान लाखों लोग छिंदवाड़ा आए थे। अब पंडित प्रदीप मिश्रा के भक्त भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच सकते हैं। ऐसे कमलनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ ही इलाके के हिंदू वोटरों को आकर्षित करने का प्रयास भी बताया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जामसावली में भव्य हनुमान लोक बनाने की योजना का भूमि पूजन भी किया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।